बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइन सबमिशन के प्लेटफार्म से। मैं आज आपको शोकिया CX107 के अंदर एरिया के मुतालिक बताऊंगा कि आप एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेन्यू में आ जाएं और इसको नीचे आप करते जाएँ तो ये आपके सामने एरिया कैलकुलेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर इसकी फिगर्स भी बनी हुई होगी सारी। आप इसको जैसे एंटर कर दें तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, OCC ओरियन और एरिया कैलकुलेशन। आप एरिया कैलकुलेशन सेलेक्ट करके एंटर कर दें तो ये आपके सामने पॉइंट्स नंबर आ जाएंगे सारे। और ये देखें, ये हमारे पास, ये हमने इस एरिया को, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका लैंड एरिया कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आपके पॉइंट आपके सामने नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद औजार को क्लिक करें और मीन्स के बटन को आप इसे क्लिक कर दें तो ये आप देखेंगे आपके सामने नॉर्दिंग और ईस्टिंग आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसको दोबारा मीन्स करके दोबारा भी चेक कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। आप इस पॉइंट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ओके कर दें तो ये प्लॉट PT नंबर 1 के हिसाब से ये इधर आपके सामने आ जाएगा। आप इसी तरीके से जो जो कॉर्नर आपके सामने प्लॉट्स के हैं उनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेट करते जाएँ और जैसे मीन्स के बटन को आप क्लिक करते जाएं तो ये आपके सामने उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह आ जाएंगे सारे, और इसको आप रीचेक कर सकते हैं दोबारा भी, ताकि आपके अगर कोई इसमें मसला है तो वो आ जाए। तो ये देखें, ये आपका PT2 के हिसाब से इधर सेट हो चुका है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3, जो जो पॉइंट्स आपको रिक्वायरमेंट हैं आप आ जाएँ, ऑब्जर्व को आप इधर से क्लिक करें और उसके बाद मीन्स के बटन को आप इधर से क्लिक कर दें तो ये आपके सामने इसके मज़ीद पॉइंट आ जाएंगे सारा। नॉर्थिंग ईस्टिंग इसको आप एक दफ़ा मज़ीद रीचेक करें और इसके बाद ओके कर दें तो ये आपको देखेंगे कि PT3 के नाम से ये आपके पास इधर सेव हो गया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से जितने कॉर्नर्स हैं आपके प्लाट के, वो आप पहले मार्क कर लें और मार्क करने के बाद इन पॉइंट्स को आप पढ़ते जाएँ, उन पॉइंट्स के ऊपर आप प्रिज्म रख के पढ़ते जाएं। इसके लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स हों, आप कोई भी फर्जी कोऑर्डिनेट के साथ भी उसको कर सकते हैं एंटर करके। तो ये देखें 4 पॉइंट हो गए और इसके साथ आपने कैलकुलेशन की ऑप्शन आ गई है। अगर आप इसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इधर से आपको इसके लिए भी दे देगा, क्योंकि हमने आगे मज़ीद पढ़ने हैं। तो इसी तरीके से जो जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर आप इधर से मीन्स के बटन को क्लिक करते जाएँ और इधर से ओके कर दें तो ये आपके सामने देखें, ये 5 PT पॉइंट नंबर 5 के सामने मेरा ये पॉइंट सेफ हो गया है। इसी तरह PT6 ये आपके सामने, आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करें, ऑब्जर्व को क्लिक करने के बाद मीन्स को आप इधर से क्लिक कर दें तो ये आपके सामने PT6 का आ जाएगा। ओके कर दें, PT6 का पॉइंट सेफ हो जाएगा। इसी तरीके से PT7 प्रिज्म मैन को आप इधर से मूव करा दें अपने, और कराने के बाद ऑब्जर्व के बटन को आप क्लिक करें और मीन्स को आप प्रेस कर दें तो ये आपके सामने उसके अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसको आप सेव कर दें PT7 के नाम से, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका PT8 आप ऑब्जर्व कर लें और ओके कर दें तो ये आपका PT8 के साथ सेव हो जाएगा। इसी तरीके से PT9 नंबर जो हमने फर्स्ट पे किया था उसको मैं एहतियातन कर देता हूँ, नहीं तो आप PT8 के हिसाब से भी इसी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कोऑर्डिनेट उधर दे देगा। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो इसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट को दोबारा रीड कर दें तो ये आपके सामने इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसको ओके कर दें तो ये आप नीचे देखेंगे ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपके पास, तो ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है कैल्क का। आप कैल्क को आप इधर से प्रेस कर दें तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर उसका एरिया आ जाएगा। PT9 आपके पास हैं, स्क्वेयर फुट एरिया उसका 34906.53 स्क्वेयर फुट है। इसी तरीके से हेक्टर स्क्वेयर फुट एरिया 35189.60 स्क्वेयर फीट है। तो ये आप इसी तरीके से इसका एच एरिया आप इधर से कैलकुलेट करके अपने पास नोट कर लें और ये आपका एरिया इस हिसाब में आ जाएगा। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये हमने इसके पॉइंट ऑब्जर्व किए, इसकी ये फिगर इस हिसाब में बनेगी। ये पॉइंट्स आपके सामने पढ़े गए हैं सारा पूरे एरिया के हिसाब से, ये PT8 और PT9 और इसका जो एरिया आया है वो 35189.60 स्क्वेयर फीट आया है। और इसी तरीके से इस एरिया को अगर आप ऑटोकैड के अंदर प्लॉट करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर आप नोट कर लें। इसी तरीके से ये आपके सामने स्ट्रिंग और नॉर्थिंग पूरी मैंने सेव की हुई है, और आगे आप एंड के ऊपर एक कॉलम और ऐड करेंगे कि प्लॉट टू ऑटोकैड एंड कैलकुलेट एरिया। तो आप इसको कॉलम को बनाने के बाद इज इक्वल टू कर लें और सबसे पहले इस चीज़ को सिलेक्ट करें
और एंड लगाएं और उसके बाद डबल कामा, सिंगल कामा, फिर कामा एंड, उसके बाद नार्थिंग को आप सिलेक्ट कर दें तो ये आपके सामने ऑटो कैड के फॉर्मेट में आ जाएगा कॉमे के अंदर। इसको आप नीचे तक पेस्ट कर दें और इसे कॉपी करें और ऑटो कैड का कोई भी वर्जन जो आपके पास इंस्टॉल है उसके अंदर आप आकर उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसका कलर वगैरह, मैं इसका चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, लाइन विड्थ वगैरह चेंज करने के बाद आप पॉली लाइन ले लें और इधर से आके इसी कमांड बार के अंदर इसको पेस्ट कर दें तो ये देखेंगे ये आपकी फिगर सेम टू सेम आ गई है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट पढ़े थे ये एक्सेल के अंदर, तो ये ऑटो कैड के अंदर इस तरह प्लॉट हो गया है। इसका एरिया निकालने के लिए दो किस्म के मेथड, पहला ए लिख के आप इंटर करें एरिया और नीचे आपके सामने ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, आप वो लिख के इंटर कर दें या ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और अपने पॉली लाइन का जो आपका था उसको आप इधर से क्लिक कर दें तो ये आपके सामने कमांड बार के अंदर एरिया आ जाएगा। आप इधर से कॉपी करके उसको इस अपने एरिया के दरमियान में लिख सकते हैं और ये स्केल के ज़रिए इसकी भी जो भी आप थिकनेस वगैरह हाइट आप इसकी देना चाहते हैं इधर से दे के और उसको इसके दरमियान में सेंटर में कर सकते हैं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट वगैरह भी आप नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड कमांड आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और लिस्ट की कमांड ले लें शॉर्ट की इसकी एल आई, तो ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इधर एरिया और नीचे इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई सारी पूरी डिटेल के साथ आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप रोटेशन के ज़रिए एरिया मालूम कर सकते हैं अपना और उसको ऑटो कैड के अंदर भी प्लाट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।